यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम CUET इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चंस में से कितना वेटेज रहने वाला है, मतलब कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपका कितने मार्क्स का आने वाला है ये बता दीजिए। सो एज आई टोल्ड यू, दिस वीडियो इज गोना बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तीन मेजर चीजें इस वीडियो में। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पर क्वेश्चन कितना मार्क्स आने वाला है और ऑल टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल, आपके एग्जाम्स में कितने मार्क्स के कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें काफी कुछ आपके काम का मिलने वाला है और आपको वो इंग्लिश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश में कितने ऑल टोटल क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है। सो आपको एग्जामिनर 50 क्वेश्चन देगा लेकिन इसमें से सिर्फ सिर्फ आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं और उस 40 क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि ऑल टोटल आपका जो पेपर हो जाएगा वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन गलत करने के लिए आपको -1 मार्क्स भी दिया जाएगा, यानी कि सपोज अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आपने दो क्वेश्चन किया है और दोनों सही है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने दो क्वेश्चन किए हैं जिसमें से एक सही है तो उसके लिए आपको 5 नंबर तो मिल गया है लेकिन दूसरे गलत के लिए 5 नंबर तो आपके चले गए और प्लस गलत करने के लिए उसमें -1 मार्क्स और मिल गया, यानी कि आपको ऑल टोटल जो 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे अब उसमें से सिर्फ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 4 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन एक 5 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने के कट गए और दूसरा 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा कट गया जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में गेन किया हुआ था क्वेश्चन गलत करने की वजह से, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। इस वजह से आप बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको जबरदस्ती टच मत करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन एंड देयर वेटेज। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आई बिलीव कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द टॉपिक जो सबको पता होगा कि कैसा होता है। इसमें एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ देता है, इसी को ही आप अनसीन पैसेज भी बोलते थे अपने 12th में, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपको ही अपना कोई आंसर चूज करना है। अब ये क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे भी हो सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ो और आप पैराग्राफ में जाकर के आंसर ढूंढ लो, या फिर आपका ये कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है और तब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हो कि पैराग्राफ क्या क्या रहा है। सो इसलिए मैं आरसी में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पैराग्राफ को पढ़ें उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। अगर आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है और अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर पा रहे हो तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम कर पाओगे। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम्स में ऑल टोटल पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 पैराग्राफ्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं पर पैरा बात करूं यहां पर कि पर पैरा आपके ऑल टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो या तो 5 हर एक पैराग्राफ्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 6। तो सपोज अगर आपके एग्जाम्स में 2 पैरा आ रहे हैं और 2 पैरा में आपके क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, हर दोनों पैरा में 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि ऑल टोटल आपके जो सवाल हो गए वो कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए, राइट। और अगर मैं इन 10 क्वेश्चन की बात करूं, इन 10 क्वेश्चन की बात करूं और इन 10 क्वेश्चन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5 से, सो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, 50 मार्क्स। तो अब सोचो ना, आप अगर 2 पैराग्राफ अपने एग्जाम्स में करके आ रहे हो तो आपका 50 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, 200 में से 50 नंबर आप यहीं से लेकर के आ सकते हो। दूसरा, अगर आपके एग्जाम्स में 2 ही पैराग्राफ आ रहे हैं और इनमें से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यानी कि आपके पास ऑल टोटल कितने सवाल हो जाएंगे, 12, और तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके ऑल टोटल यहाँ पर जो मार्क्स बनते हैं वो कितने बन जाते हैं, 60 मार्क्स, राइट। सो अगर आपके एग्जाम्स में 2 पैराग्राफ आएंगे और 2 पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 50 नंबर का पेपर यहाँ से बन जाता है, और अगर आपके 2 पैराग्राफ में 6 क्वेश्चन आते हैं तो 12 के हिसाब से आपका यहाँ पे 60 नंबर का पेपर बन जाता है। अब वही अगर आपके एग्जाम्स में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया 3 पैराग्राफ, मैं यहाँ पे पेन चेंज करना चाहूंगी ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ 3 पैराग्राफ का वेटेज, तो 3 के हिसाब से अगर आप हर एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन देख रहे हो तो आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका पेपर कितने नंबर का बनेगा, 75 नंबर का फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो यू कैन से दैट कि आपके 75 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आरसी भी लिया हो सकता है अगर आपका एग्जाम्स में आरसी 15 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है तो,
राइट। और अगर आपके तीन पैराग्राफ आ रहे हैं और तीन पैराग्राफ के हिसाब से आपसे छह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर पैराग्राफ में, तो आपके पास ऑल टोटल 18 क्वेश्चन होंगे और यहाँ से आपका कितने मार्क्स बन जाते हैं, 90 मार्क्स। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एग्जाम्स में जो ऑल टोटल आरसी की मार्किंग है वो कितनी देखने के लिए मिल सकती है, मिनिमम 50 मार्क्स से लेकर के मैक्सिमम आपकी ये 90 मार्क्स तक जा सकती है। तो अब आप सोच सकते हो आरसी का कितना इंपॉर्टेंस है। बट अगर ये आरसी की प्रैक्टिस मैं आपको ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगी तो शायद आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं बन पाएगा जितना आप अच्छे से बना सकते हो। सो इस पे जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो करो। आपको अड्डा 24/7 पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस प्रोवाइड किए गए हैं, आप ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के क्विजेस को दीजिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको बुक्स चाहिए, तो अड्डा के स्टोर पर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आप वहां से बुक्स खरीद सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है और बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि वर्बल एबिलिटी में क्या आने वाला है। बच्चों तो छोड़ो, मैं यूट्यूब के बहुत सारे टीचर्स को देखती हूँ, दे हैव नो आइडिया कि वर्बल एबिलिटी में से क्या आने वाला है, राइट। बट इसका एनालिसिस आपको वही कर करके बता सकता है जिसने प्रीवियस ईयर आपको पेपर करवाया हुआ, राइट, या फिर जिसने प्रॉपर रिसर्च कर रखी हो। तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखी हुई है। और वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वर्बल एबिलिटी कंसिस्ट ऑफ टू टॉपिक्स, एक होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच और दूसरा होता है एनालॉजी। फिगर ऑफ स्पीच related to simile, personification, metaphor, hyperbole and so on, right? जो figurative language में use किया जाता है। Now next is analogy. Analogy is all total related to similarity, जिसमें part to whole का relation आपको दिया जा सकता है, cause to effect का relation आपको दिया जा सकता है, user to worker का relation आपको दिया जा सकता है। इस तरह के relations दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है same relation कौन से other pair में आपको show किया जा रहा है, right? तो अब आपके figure of speech में कितने questions पूछे जा सकते हैं, इसमें आपके 4 से 5 questions पूछे जाएंगे। तो अगर मैं 4 question के हिसाब से जाऊं तो 20 marks और अगर मैं 5 question के हिसाब से जाऊं तो 25 marks, right? तो 20 से 25 marks का आपका figure of speech का content आपको देखने के लिए मिल सकता है। Question vary करेंगे आगे पीछे, बट ये एक बहुत important topic है, ये exam में आएगा ही आएगा। दूसरा, एनालॉजी का भी सेम सीन है, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि अगेन आपको 20 से 25 मार्क्स का यहाँ पर पेपर देखने के लिए मिल सकता है जो एनालॉजी टॉपिक का आपको मिलने वाला है। सो 20 to 25 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं और 4 से 5 आपको सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है, आपको यूट्यूब पे भी करवाई हुई है बहुत अच्छे से। अगर आपको यूट्यूब की वीडियोज ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, सब सेपरेटली एक पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हो जिसमें एक महीने में ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं आपके चूज द करेक्ट वर्ड पे, लेकिन मैं एक बार बैक जरूर जाना चाहूंगी। और अगर मैं ऑल टोटल बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 से 50 मार्क्स का कवरेज यहाँ पर रहता है। सो एग्जाम्स में आपको 40 से 50 क्वेश्चंस देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन वरी भी कर सकते हैं, माइट भी एक आध क्वेश्चन ये कम कर दें अगर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ा रहे हैं तो, राइट। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल एनालिसिस करवा रही हूँ आपको हर शिफ्ट के बेसिस का। फिर आता है आपका चूज द करेक्ट वर्ड, इसमें भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल आपका सिलेबस था, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूछा गया है, क्लोजेस पूछा जा सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछा जा सकता है, स्पेलिंग एरर पूछा जा सकता है। पिछले साल आपका ये क्लोजेस और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में नहीं देखा गया, फिल इन द ब्लैंक्स देखी गई और आपकी स्पेलिंग एरर देखे गए। फिल इन द ब्लैंक्स में से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली आपके स्पेलिंग एरर में भी 4 से 5 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 20 से 25 मार्क्स और 20 से 25 मार्क्स आपका ये लिया हो सकता है। मैंने बोला ना क्वेश्चन वरी कर सकते हैं, अगर कुछ बढ़ाएगा तो कुछ कम कर सकता है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि आपके प्रॉपर होते हैं फिलर्स, सिंगल लाइनर में फिल करना होता है आपको वो। क्लोजेस्ट आपका एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ में आपको नंबर ऑफ ब्लैंक्स दे दी जाती है और उन ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिनको आपको फिल करना होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर देगा कि ये वर्ड को आप इंप्रूव कर सकते हो। सो बेहतर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो करो, जैसे मैंने बोल दिया यू इज गुड और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, मैंने कहा इसको इंप्रूव करके बताओ क्या हो सकता है। यू आर गुड हो सकता है, यू हैव गुड हो सकता है, यू बी गुड हो सकता है या यू वॉज गुड हो सकता है। सो आप उसको अरेंज करोगे कि यू के साथ आपकी एक प्लूरल वर्ब लगती है ना, प्लूरल वर्ब लगाने के लिए आप क्या लगा सकते हो, या तो आर लगा सकते हो या तो हैव लगा सकते हो। लेकिन आप अच्छा लिए हुए हो या आप अच्छे हो, दो अलग अलग चीज़ें होती है। कोई अच्छा लिए नहीं हो सकता, कोई अच्छी चीज़ लिए हो सकता है। सो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यू आर गुड, आप अच्छे हो, ये सेंस बनेगा। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। पिछले साल नहीं है लेकिन इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि आ सकता है। स्पेलिंग एरर जरूर से जरूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी कुछ स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैंने हमारे चैनल पर आपको करवाई हुई है, आप मंजिल सीरीज देख सकते हो। अगर आप मंजिल सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप काफी हद तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आपको काफी कॉन्फिडेंट भी फील होगा। सो वॉच मंजिल सीरीज, सर्च करना मंजिल सीरीज बाय रुबेका मैम, मंजिल सीरीज बाय रुबेका मैम। और
अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पर आपको क्लासेस की लिंक और पीडीएफ मिलते रहे, तो आप एडा 24/7 की ऐप पर जा करके कम्युनिटी का एक ऑप्शन है, कम्युनिटी पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश विद रिबेका मैम, तो वहां पर आप लोगों को आपके डेली पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। आगे आते हैं विकैबुलरी पे। विकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके क्वेश्चंस वरी करते हैं, 3 से 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सिमिलरली आपको 3 से 5 यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये है सवाल क्वेश्चन, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो पेपर है वो 15 से 25 मार्क्स का हो सकता है, 15 से 25 मार्क्स का यहाँ पे कवरेज इसका रहेगा मार्क्स का, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, मार्क्स 15 से 25। सिमिलरली अब आप इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं, मतलब इस तरह से नहीं करनी होती कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेकर के बैठ जाओ। इसके लिए ट्रिक होती है कि आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें वो आप कर लें, आपके लिए सफिशिएंट है। तो वो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में करवाया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली चाह रहे हैं कि आप अलाइंड वे में पढ़ें तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर पेड ऑल्सो। नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, और आपका इडियम फ्रेजेस आता है, इसमें भी आपको क्वेश्चन वरी करते हुए मिल सकते हैं 3 से 5 या फिर 3 से 5। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, ये इधर वाले आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आते हैं हम मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स में आप देख सकते हो 15 से 25 मार्क्स का कवरेज आपका यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकता है रिलेटेड टू इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, और जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, वही आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। सो ये है आपका ऑल टोटल सिलेबस रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर उसके बाद आता है आपका रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चंस तो देखे ही देखे गए हैं एग्जाम्स में, राइट, ये 4 की जगह आपको 5 भी मिल सकते हैं, और ये बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं मैं अगर आपको, तो मैंने आपको अपनी क्लासेस में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आप कौन कौन से सेंटेंसेस को एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सा पहला सेंटेंस बन सकता है, कौन सा लास्ट बन सकता है, कौन सी पेयरिंग हो सकती है। तो अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स जान लें इसकी, तो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। सो रीअरेंजमेंट भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये मुझे पता तो चल गया कि मेरे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कितने मार्क्स के मिलेंगे। अब मैम जरा ये भी बता दीजिए कि हम कौन से क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए आपको यही बोलूंगी कि आप कौन से क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आरसी। आरसी की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना है वो है फिगर ऑफ स्पीच। इसको मैंने मंजिल सीरीज़ में बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप पेड में भी एनरोल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीअरेंजमेंट, जिससे फ्रीक्वेंटली मतलब एग्जाम में ये तो पूछा ही पूछा जाएगा, उसको वो छोड़ ही नहीं सकते रीअरेंजमेंट को, रीअरेंजमेंट को, फाइन। और चौथा टॉपिक है आपका वोकैबुलरी का, जिसमें आपका सिनोनिम एंटोनिम इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड आते हैं, और ये आपसे वो कवर करेंगे जो आपको मैं क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, है ना, या आप जो बुक लिए हुए हो उसमें जो आपके मैक्सिमम आपके वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इसमें आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो मैं आप लोगों को क्लासेस में करवा रही हूँ। सो फॉलो दिस, ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये काफ़ी हद तक आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाएगा एग्जाम्स में। बाकी अगर आप विकैब तैयार कर रहे हो तो इससे आपकी स्पेलिंग एरर्स अपने आप ही तैयार हो जाती हैं। कैसे तैयार हो जाती हैं, आप जब विकैबुलरी को पढ़ रहे होंगे तो आप लिख लिख करके याद करिएगा ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड पढ़ पाए। सो इससे आप आराम से 150+ मार्क्स अपने एग्जाम्स में ला सकते हो। आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े से घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी वीडियो देखें कौन सी वीडियो ना देखें, तो उन सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ मैं। बेटा कल से ही आपका एक बैच स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 17 तारीख से आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका अंडर ग्रेड एग्जाम्स के लिए CUET का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हो और आपको कुछ नहीं पता कि आपको कैसे पढ़ना है, तो बस आप इस बैच में एनरोल करके टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। ये बैच आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, टीचर्स आपको क्लास में लाइव रिविजन भी करवा देंगे। अगर कोई बच्चा लगेगा उनको कि वो कमज़ोर है या उसको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, सो वो उसके डाउट सेशंस भी ले रहे हैं, ठीक है। हैंड रिटन टीचर्स अपने PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, DPPs भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, हर एक चैप्टर पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर सारे के सारे ई-बुक्स, ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो ये एक आपका 360 डिग्री प्रेपरेशन बैच हो सकता है, वो भी आप देखो कितनी लीस्ट कॉस्ट में।
बैज आपको 3059 रुपीज़ का मिल रहा है। बच्चे पूछेंगे मैम कौन सी क्लास कब होगी, तो यहाँ पे प्लानर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक भी कर सकते हो, आपको प्लानर भी मिल जाएगा। ये देखो क्लास की टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। तो ये बैच आपको कितने का दिख रहा है, 3059 का ना, बट यू विल गेट इट इन लेस प्राइसेस। हाउ मैम, हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना, जस्ट लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, है ना, एवरीथिंग इज ओके। सो हियर एवरीथिंग इज ऑल्सो ओके। तो आप Y4 कोड लगाएंगे, Y484 देखें, कोड देख लें, Y484 कोड लगाएंगे। जैसे ही आप Y484 कोड को लगाएंगे तो आपको ये 3599 का बैच कितने का मिल जाएगा, 2987 रुपीज़ का। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, लैंग्वेज पूरी मिल रही है, प्लस इसमें आपको GT मिल रहा है, प्लस इसमें आपको डोमेन मिल रहा है। साइंस का होगा डोमेन तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, आर्ट्स का होगा तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और आपका मैथ्स भी बच्चे लेते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई और बच्चा है जो कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स और आपका मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश GT और डोमेन के लिए सिर्फ इतने में मिल रहा है, बाकी मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव रिविजन क्लासेस, डाउट सेशंस, टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स, DPPs, ई बुक्स और मॉक टेस्ट। ये आपको 7 फीचर्स अलग मिल रहे हैं और प्लस पूरा कोर्स अलग मिल रहा है। फिर इधर देखिए, आपको अगर खाली इंग्लिश प्लस डोमेन का लेना है तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 2400 रुपीज़ का। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GT का चाहिए तो ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 2000 रुपीज़ का, है ना। लेकिन आप ये कोड यूज़ करेंगे, लाएंगे कैसे, आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड करिए, अड्डा 24/7 ऐप, स्टोर पे जाइएगा और स्टोर पे जाने के बाद आपने अपना बैच चूज करना है, प्रतिज्ञा 2.2 चेक कर लीजिएगा कि आपको लेना क्या है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, इंग्लिश GT लेना है या फिर इंग्लिश डोमेन लेना है, चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही लीजिएगा, ठीक है। सो गो एंड हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर करें, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बट प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।